एग्जाम का सीजन है रे बाबा। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, कईयों के एग्जाम चल भी रहे हैं, तो मुझे लोगों ने कहा कि प्लीज एक एग्जाम के ऊपर आप मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो मैं यही सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई भी मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें मैं किसी भी महान इंसान का स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ या फिर किसी का सक्सेस स्टोरी नहीं बताऊंगा। ये वीडियो में मैं कुछ आप लोग को मैजिक बताऊंगा, कुछ मैजिक सिखाऊंगा। हाँ जी, आप इसे जादू का नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ आप लोग को ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे यूज करके आप, बहुत इजी टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा इजी, जिससे आप यूज करके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं आप। तो आखिरी तक बने रहिएगा हमारे साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम शर्मा एंड यू आर वॉचिंग ऑल इन वन शुभम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर योर माइंड फॉलोज योर कमांड। ये चीज मैंने पहले भी वीडियो पे कह चुका है कि वही होता है जो आप सोचते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि आपका दिमाग, आपका माइंड वही करता है जो आप उसे कहने को कहते हैं। एक्चुअली ये एक नॉर्मल सा एक सब्सटेंस है जिसे आप जो कमांड देंगे वही होगा। जैसे अलादीन के जिनी के बारे में आप सुने थे ना, जो आप उसको कमांड देते थे वही होता था। तो सोच लीजिए अपना माइंड एक जिनी है, जो आप उसको बोलेंगे वही चीज वो माइंड आपका करके देगा। सो गाइज, रिसेट योर माइंड विद हेल्प ऑफ माई मैजिकल टेक्निक्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा माइंड वही करता है जो हम उसे कमांड देते हैं, तो सबसे पहले, सबसे टेक्निक का सबसे पहला हिस्सा कि हमें अपने माइंड से गलत चीजें हटानी, गलत चीजें इन द सेंस नेगेटिव, नेगेटिव थॉट हमें बिल्कुल भी हटाना पड़ेगा। हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। और हम पॉजिटिव कैसे रहे, नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट कैसे करें, अवॉइड कैसे करें, ये मैंने अपने पहले वीडियो पे बता चुका है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो वापस आता है इस टॉपिक पे, तो हमको सबसे पहले एकदम नेगेटिविटी पूरा अपने माइंड से निकाल देनी पड़ेगी, सिर्फ हमें पॉजिटिव चीजें रखनी है। टेक्निक नंबर टू, हमारा कुछ भी हम स्टार्ट करें उससे पहले हमको हमारा माइंड को एकदम वॉश कर देना है, एकदम ब्लैंक कर देना है माइंड को, या फिर आप ये कह लीजिए कि हमें अपने माइंड को रिसेट करना है इस टेक्निक से। अच्छा, टेक्निक बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिना पढ़े सिर्फ इस टेक्निक को यूज करके आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेंगे, तो आप लोग का सोचना बिल्कुल भी गलत है। एक्चुअली मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो मैंने डिजाइन किया है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। इस टेक्निक को आप यूज करके अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कमांड कर सकते हैं, ताकि आप सही चीज को बड़े इजिली, कुछ चीज को आप पढ़ सके, याद रख सके और अच्छे से एग्जाम दे सके और उसमें अच्छा नंबर ला सके। तो अब हम टेक्निक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा माइंड हमारे कमांड को सुनता है, हम जो अपने माइंड को कहते हैं वही अपना माइंड करता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अपने पॉजिटिव सोचना है, दूसरा माइंड को ब्लैंक करना है, अब रिसेट करना है। अब रिसेट करने के लिए ये टेक्निक यूज करेंगे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हो। अगर आप इसको याद रख लीजिए, मैं कुछ बोलूंगा आपको उसको याद रखना, या फिर अगर आप पेन से या पेंसिल से किसी पेपर में लिख के रख लीजिए इस चीज को। मैं बहुत ब्रिलियंट हूं और मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतना दिमाग है कि मैं किसी भी एग्जाम को एकदम इजिली क्रैक कर सकता हूँ। मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल माइंड है और मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। मुझे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई एम अ विनर एंड सक्सेस इज ऑल माइन। तो आपको इसे याद रखना है या फिर कहीं लिख के रख लेना है, और डेली सुबह उठ के मॉर्निंग में बेड में ही लेटे लेटे या बैठे बैठे इसे मिनिमम 2 से 3 मिनट आपको पढ़ना है। माइंड में भी पढ़ सकते हैं या फिर जोर जोर से बोलकर भी पढ़ सकते हैं। उससे होगा ये कि ये सब जो चीज मैंने आपको कहा है वो आपके माइंड में कुछ दिन में, अगर आप डेली बेसिस में इसको करते हैं, तो वो सब चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपका माइंड वाकई में आपसे कंट्रोल होने लगेगा। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आप जो चीज बोलेंगे वो आपका माइंड, मतलब आपका माइंड आपका कमांड सुनेगा। फिर इससे होगा ये कि आप धीरे धीरे आपकी वाकई में, मतलब जो आपकी मेमोरी है बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी। आप किसी चीज को बड़े आसानी से पढ़ और समझ पाएंगे और बहुत देर तक याद रख सकेंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे सकते हैं। और रियली आप उसमें, अगर आप इसको मान के चले कि मतलब आप विनर है, आई एम द बेस्ट, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो हो सकता है कि आप एग्जाम टॉप कर जाएं। और एक बात, आपको उस सब्जेक्ट से या फिर जो भी आपका एग्जाम है उससे आपको प्यार करना होगा। प्यार इन द सेंस आपको उसको पढ़, मतलब आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आना चाहिए, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। तो तभी ऐसा अगर आपको साथ होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और दूसरी बात है कि आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा कि आप विनर है, आप जीनियस है, आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या फिर आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल माइंड है। तो आप इस टेक्निक को अपने डेली बेसिस में लाइए, आप डेली इस टेक्निक को करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इस टेक्निक को बहुत अच्छे से करते हैं, तो विद इन अ वीक आपको मतलब आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे कि वाकई में आपका मतलब माइंड बहुत ज्यादा शार्प होने लग रहा है, आप चीजों को बहुत देर तक याद रख सक रहे हैं, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आप इसको डेली बेसिस में करिए।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आगे आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉलेज का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सबको ऑल द बेस्ट। जय हिंद।